Hello friends, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Olivia and you are watching Olivia's vlog. And if you are new here, please subscribe to my YouTube channel. तो आज मैं review करने वाली हूँ 3 Bioderma products, जिसमें से पहला है ये Bioderma Sensibio Micellar Water. ये आपके face को clean करने में, makeup remove करने में बहुत ही help करेगा. My second product is this Bioderma Atoderm Intensive Gel Moussant. I don't know कि मैंने ये ठीक से pronounce किया है कि नहीं, but yes, this is gel moussant which is a face wash. And the third one is this is Atoderm cream. तो मैं one by one सारे products की review करने वाली हूँ. So without further ado, let's get started. तो ये पहला product है जो है Bioderma Sensibio Micellar Water. ये हमारे skin में जो dirt है, impurities है, makeup, sunscreen सब कुछ remove कर देता है. So let's see कि ये कैसे use करेंगे हम. तो मैंने एक cotton pad लिया है और इसमें मैं micellar water डाल रही हूँ. तो मेरे face में थोड़ा makeup भी है, तो आप देख सकते हो कि ये मेरे मेकअप को रिमूव करेगा कि नहीं. तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मेकअप को रिमूव करेगा. और आप इसको डेली बेसिस में जो स्किन केयर रूटीन है उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो. डेली स्किन केयर के लिए जो पहले क्लींजर के तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, और मेकअप रिमूव करने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो. और एक अच्छा चीज़ है इसका कि इसका पीएच 5 to 6 के अंदर है. सो ये स्किन के बैरियर को कोई भी डैमेज नहीं करेगा और ये आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो. एंड डे नाइट बोथ टाइम ही यूज़ कर सकते हो. इवन इससे सनस्क्रीन भी बहुत अच्छे से उतर जाता है और फेस बहुत अच्छे से क्लीन होता है. तो मेरा फर्स्ट स्टेप है ये क्लींजर कम माइसिलर वाटर. तो जब भी मैं फेस क्लीन करती हूँ इससे पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ. एंड ये माइसिलर वाटर किसी भी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. ऑयली स्किन बोलो कि ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इस माइसिलर वाटर को यूज़ कर सकते हैं. सब इस माइसिलर वाटर को यूज़ कर सकते हैं. इससे आपके स्किन में कोई डैमेज नहीं होगा एंड दिस इज़ टोटली फ्रेग्रेंस फ्री. तो आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो मैं आप सबको एक बात बताना भूल गई कि Bioderma एक फ्रेंच ब्रांड है एंड द प्रोडक्ट्स आर सो गुड एंड द इंग्रेडिएंट्स आर सो गुड. इसके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं होता है एंड दिस इज़ ऑल फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. एंड इसमें कोई भी पैराबिन एंड सिलिकॉन नहीं होता है. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ. सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ Atoderm इंटेंसिव जेल मूसेंट एंड दिस इज़ अ जेल क्लींजर. सो चलिए दिखाती हूँ कि ये कैसे यूज़ करते हैं. ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है. ये फॉर्मूला हाइपो एलर्जेनिक, नॉन कॉमेडोजेनिक, पैराबिन फ्री एंड सोप फ्री है. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फेस पर ज़्यादा झाग क्रिएट नहीं करता एंड ये स्किन के पीएच बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और ये स्किन के बैरियर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. एंड आप स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देख सकते हो. सो यू ऑल कैन सी कि मेरा फेस बहुत ही क्लियर हो गया है. तो मैंने पहले तो माइसिलर वाटर यूज़ किया है क्लीन करने के लिए एंड सेकेंड स्टेप में मैंने जेल फेस वॉश यूज़ किया है. तो ये डबल क्लींजिंग मेथड मैंने यूज़ किया है जिससे आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और कोई भी डर्ट या इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका फेस बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा. और मैं ये फेस वॉश एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि जब भी मैं यूज़ करती हूँ कभी ड्राई नहीं करता बिल्कुल भी स्किन को. एंड सो ये ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है.
एंड बहुत ही सूटेबल है सेंसिटिव स्किन को. बहुत सारे फेस वॉश सूट नहीं करता, लेकिन दिस इज़ रियली गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ये आपके स्किन के बैरियर को कोई भी डैमेज नहीं करता. एंड तीसरा है ये बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम. इस क्रीम के रिव्यू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ. आप स्क्रीन पे जो कूपन कोड देख रहे हो वो कूपन कोड यूज़ करके आप 5% डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट वेबसाइट से परचेस कर सकते हो. मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो. सो ये एटोडर्म क्रीम का टेक्सचर कैसा होता है मैं दिखाती हूँ. इसका कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हो. नाउ आई एम यूजिंग इट फॉर माय फेस. ये बायोडर्मा क्रीम स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है एंड वाटर लॉस से स्किन को प्रिवेंट करता है. एंड दिस क्रीम इज़ सो हाइड्रेटिंग एंड इस क्रीम का कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी थिक नहीं है. और मैंने स्क्रीन में इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हो. तो आपने देखा कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और ये क्रीम बहुत ही अच्छा है सेंसिटिव स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा है. एंड ये इसमें रिकमेंड किया हुआ है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए एंड सेंसिटिव स्किन के लिए ये क्रीम है, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ये परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है. ये बायोडर्मा क्रीम बहुत ही अच्छे से स्किन को रिपेयर करता है. स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है. सो इन तीन स्टेप में आप अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर सकते हैं बायोडर्मा के प्रोडक्ट से. मैंने आपको बता ही दिया है, फिर से बोल रही हूँ. फर्स्ट स्टेप इज द माइसलर वाटर, बायोडर्मा सेंसिबा माइसलर वाटर. एंड द सेकंड स्टेप इज द बायोडर्मा इंटेंसिव जेल मूसेंट विच एक्ट्स एज जेल फेस वॉश. सो ये डबल क्लींस के लिए बहुत अच्छा है. एंड द थर्ड वन इज दिस एटोडर्म क्रीम. ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है. तो मेरा ये 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और आप में से अगर किसी ने भी ये यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी ये वीडियो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.